वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका इंस्ट्रक्टर, आपका ट्यूटर, आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सेल में पढ़ने वाले हैं इंसर्ट में पायोट टेबल के बारे में, कि पायोट टेबल क्या है, पायोट टेबल कैसे बनाते, उसकी जरूरत क्या है, इसके बारे में हम आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाइट टेबल के बारे में ये देखते हैं कि भाई पाइट टेबल होता क्या है। सबसे पहले पाइट टेबल जो है, मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी शीट है, बहुत बड़ी शीट है, और उस शीट में से आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या आपको देखनी है। तो भाई जब हम देखेंगे कोई टेबल, अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, हमें पूरी शीट ही दिखाई देगी। ओके, तो मैं ये चाहता हूं कि भाई उस पूरी शीट में से थोड़ा सा डाटा मुझे अलग लेके देखना है, कंडीशन के हिसाब से देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे करना। सबसे पहले हम कोई शीट ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ये मार्कशीट है, हाँ मार्कशीट है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास डाटा इतना क्या है, हमारे पास ये डाटा है, मार्कशीट है। इस मार्कशीट में से मुझे थोड़ा सा डाटा चाहिए। क्या करना है मुझे, इस मार्कशीट में से मुझे थोड़ा सा डाटा चाहिए, और थोड़ा सा डाटा लेके, मतलब पूरे शीट में से थोड़ा सा डाटा लेके मुझे एक नई शीट बनाना है, पायोट टेबल बनाना है। देखते हैं कैसा करें। सबसे पहले इस शीट को सिलेक्ट कीजिए, क्या कीजिए, इस शीट को सिलेक्ट, टेबल में जाएंगे और पायोट टेबल में जाएंगे। अच्छा, सिलेक्ट अ टेबल और अ रेंज, सिलेक्ट अ टेबल, आपने जो टेबल बनाया उसको सिलेक्ट कीजिए, या रेंज, रेंज मतलब ये जो हम ऐसा सिलेक्ट करते हैं ना उसी को रेंज कहते हैं, रेंज को सिलेक्ट कीजिए। अगर किया होगा तो ठीक, नहीं किया होगा तो यहां क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से आप यहां से इस टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहां क्लिक कीजिए। अच्छा, एक आपको पायोट टेबल बनाना है तो क्या, आपको पायोट टेबल बनाना है तो क्या इसी शीट में से डाटा लेके बनाना है, या आपको यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, या किसी एक्सेल के बाहर या किसी दूसरे फाइल से लेके बनाना है। तो भाई मुझे तो इसी शीट में से लेके बनाना है, इसलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद न्यू वर्कबुक, आपको जो पायोट टेबल बनाना है, न्यू वर्कशीट, क्या नए शीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग इसी शीट में बनाना है। एक काम करेंगे हम, न्यू शीट में बनाएंगे, क्या बनाएंगे, न्यू वर्कशीट में बनाएंगे। क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहां आपकी शीट आ गई और यहां आपका डाटा आ गया। आपको पूरे डाटा में से क्या चाहिए, अगर मुझे पूरा चाहिए तो ऑलरेडी तो हमारे पास शीट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा चाहिए तो क्या क्या चाहिए, जैसे नेम चाहिए, यहां नेम पर क्लिक कीजिए, देखिए नाम आ गया। ओके, उसके बाद मुझे क्लास चाहिए, देखो क्लास आ गया। उसके बाद मुझे उनके टोटल चाहिए, तो देखिए टोटल आ गया मुझे। ओके ठीक है, इतना ही चाहिए, हो गया। तो हमने क्या किया, पूरे शीट में से थोड़ा सा डाटा लेके हमने एक नई शीट बनाई, इसे कहते हैं पायोट टेबल। अब ये पायोट टेबल तो बना, लेकिन सर मुझे इसमें पूरा जो रिकॉर्ड है, ये पूरे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर एक आदमी का रिकॉर्ड चाहिए, या पर्टिकुलर कोई दूसरा रिकॉर्ड चाहिए इसमें से, तो क्या करेंगे, जैसे मुझे पूरे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, जिसका नाम रमन है उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो क्या करेंगे हम, यहां लेवल पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल निकाल दीजिए, क्या चाहिए, जिसका नाम रमन है, क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, देखिए सिर्फ रमन का रिकॉर्ड आया। अच्छा, फिर यहां क्लिक करेंगे, मुझे पूरा चाहिए तो यहां फिर से क्लियर कीजिए, क्लियर फिल्टर आ गया, फिर से यहां क्लिक कीजिए, आपको जो चाहिए वो यहां से ले सकते हैं। सर ये शीट तो कम है, नाम कम है इसलिए आप यहां से ले रहे हो, लेकिन अगर जब बहुत ज्यादा नाम हो तो फिर कैसे ढूंढेंगे, तो आप ऐसे वक्त यहां डायरेक्ट नाम लिख भी सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं।
मुझे सुमन का चाहिए रिकॉर्ड, तो यहां सुमन लिखेंगे। जैसे हमने सुमन लिखा, सुमन आ गया, ओके करेंगे, देखिए आ गया। चलिए फिर से यहां जाएंगे, क्लियर ऑल करेंगे, हो गया। अच्छा मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड चाहिए, ये देखो ये पूरा आया। अच्छा एक बात और सर, मुझे जो है इसका जरा लेआउट चेंज करना है, डिजाइन चेंज करना है। जैसे ही हम यह कोई शीट लेते हैं, पायोट टेबल लेते हैं, या ऑटोमेटिकली पायोट टेबल टूल नाम का ऑप्शन आएगा, उसमें से ये ऑप्शन है, यहां डिजाइन है, डिजाइन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको इसकी कलरिंग चेंज करना है, आप यहां से इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं, देखिए चेंज हो रही है। तो आपको अगर कलरिंग या स्टाइल चेंज करना, आप यहां से स्टाइल या कलरिंग चेंज कर सकते हैं। दूसरा आपको इसका रिपोर्ट लेआउट चेंज करना है, रिपोर्ट लेआउट पर जाएंगे और आप यहां से जो भी चाहिए वो आप यहां से ले सकते हैं। चलिए मैं रिपीट ऑल आइटम लेबल लेता हूं, नहीं इसमें कोई ये नहीं आया, देखिए थोड़ा चेंज हुआ, इसका नाम देखो चेंज हो गया यहां। फिर से यहां क्लिक करता है, मतलब क्लिक करते हैं, कॉम्पैक्ट चाहिए, ये कॉम्पैक्ट, आउटलाइन वाला चाहिए, टेबुलर चाहिए, या जैसा भी चाहिए आप यहां से ले सकते हो। खैर इसमें डाटा कम है, शीट की स्टाइल हमने दूसरी ली हुई है, उसकी वजह से थोड़ा चेंज नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप और कोई डाटा लिखोगे, जैसे एक काम करते हैं मिनिमम ये यहां लेते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं, काउंट ले लेते हैं, नहीं फिर भी इसमें चेंज नहीं होगा, मैं इसमें से निकाल देता हूं। तो यहां से आपको जो जैसा चाहिए आप यहां से वैसा ले सकते हैं। फिर से ब्लैंक रो, क्या यहां कोई रो ब्लैंक आ रही है क्या, नहीं आ रही, इंसर्ट करेंगे, एक मिनट, नहीं ये भी फिर से वैसे ही। ओके ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, यहां ऑन रो, ये देखिए यहां क्या है, ऑन फॉर रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम का ये यहां क्या आ रहा है, पूरा टोटल आ रहा है आपका, यहां ग्रैंड टोटल आ रहा है, नहीं चाहिए, ऑफ रो निकल गया, आया नहीं, मुझे ऑन रो सिर्फ रो की चाहिए, मुझे सिर्फ कॉलम की चाहिए, मतलब टोटल, ग्रैंड टोटल जो है, तो आप यहां से ले सकते हो। आपको सब टोटल चाहिए या नहीं चाहिए आप यहां से ले सकते हो, लेकिन इसके लिए पूरी शीट फिर से चेंज करना पड़ेगा, डाटा चेंज करना पड़ेगा, तो खैर वो हम अगले शीट में देख लेंगे। उसके बाद रो हीडर, ये भी फिर से वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना तो समझे आप लोगों को कि भाई पायोट टेबल क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, इसमें और अलग तरीके से भी हम देखेंगे अगले इसमें, अभी फिलहाल मैं समझे आपको पायोट टेबल क्या होता है। अब ये पायोट टेबल मैंने बनाया, जैसे यहां क्लिक करूंगा देखिए ये जो पायोट टेबल का फील्ड लिस्ट है ये गायब हो जाएगा, गायब हो गया, यहां क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहां जो है देखिए सब सम आ रहा है, सम ऑफ क्लास, सम ऑफ टोटल आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहां वैल्यू में यहां सम दिया हुआ है, मुझे सम नहीं चाहिए, कॉलम में चाहिए, निकाल दीजिए। देखिए लेआउट चेंज होगा, डिजाइन चेंज होगा, हम इसमें नहीं लेते, हम रो में लेते हैं, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, मतलब उठा के यहां रखिए, देखिए चेंज हो गया कि नहीं हुआ, तो इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो। एक बात और, अब यहां रिपोर्ट का लेआउट देखते हैं, शो कॉम्पैक्ट, अब देखिए कॉम्पैक्ट चेंज हो गया, ये फिर से डिजाइन, रिपोर्ट लेआउट, शो इन आउटलाइन फॉर्मेट, ये आउटलाइन फॉर्मेट में आ गया आपका, टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट में आ गया, अमन एवरेज इसका टोटल क्लास, और ये इस टाइप, समझे। रो को रिपीट करना है या नहीं करना है आप यहां से भी ले सकते हो, डू नॉट रिपीट, रिपीट नहीं करना है। अब इसमें देखते हैं ग्रैंड टोटल चाहिए या नहीं चाहिए, निकाल दीजिए, ग्रैंड टोटल चाहिए, देखिए ग्रैंड टोटल आ जाएगी, सब टोटल चाहिए या नहीं चाहिए, देखिए सब टोटल भी निकल गई उसकी। फिर से मैं यहां क्लिक करता हूं, शो ऑल सब टोटल, देखिए सबकी सब टोटल आ रही, मतलब अमन की, इसकी टोटल फिर से आई, या आया, मुझे सब टोटल नहीं चाहिए, तो डू नॉट शो, समझ में आए, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ओके
फिर से इसका कलर आपको चेंज करना है, आप यहां से इसका कलर फिर से चेंज कर सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। ओके, और ठीक है, ओके, समझ में आया। तो चलिए इतनी प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट में टाइप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली वीडियो आपको दिख जाए।